वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला उपाध्यक्ष माननीय श्री रामदास जी अठावले के नेतृत्व में काम करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे समक्ष हैं। मैम, सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने पार्टी ज्वाइन की और कैसे आपने डिसाइड किया कि जो है इस पार्टी के साथ जुड़ना है, और थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए आप। एक्चुअली इसमें मेरी मॉम का है कनेक्शन। मेरी मम्मी बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली बाबा साहब आप लोग जानते हैं वो जातिवाद के खिलाफ हैं, वो सबको एक मानते हैं। तो बिकॉज ऑफ मॉम और मैं आरपीआई में हूँ, क्योंकि बाबा साहब की थिंकिंग मुझे बहुत पसंद है और उनकी वजह से आज हम लोगों की इतनी आज़ादी है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय श्री रामदास जी अठावले, सीमा दई अठावले, वो सब मेरे फेवरेट हैं और इसकी वजह से यंगस्टर है, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आरपीआई को चूज किया। ओके, आरपीआई के साथ आप जुड़ी हैं, क्या प्लान्स है और क्या किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, कौन से मुद्दे पर फोकस करने वाले हैं आप? रिसेंटली अभी की बात कर रहे हैं। ओके, अभी जो है ये मुद्दा ये है कि आपको पता है यंगस्टर, यंग जनरेशन का जो ड्रग्स है, जो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं बच्चे, यंगस्टर में फ्रेंकली बताऊँ हमारा देश का भविष्य यंगस्टर होता है, राइट? अगर वही बच्चे का भविष्य ऐसा गर्त होगा तो हमारा भारत देश का क्या होगा? तो ये टॉपिक है आज, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है हमें। राइट, तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए उसके लिए, जो जैसे आपने कहा कि करंट सिचुएशन चल रहा है कि जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो नशे की जो आदत है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन होने वाला है और क्या आप इनिशिएटिव लेने वाली है उस चीज को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, कोई भी यंगस्टर, कोई भी बच्चे माँ के पेट से तो कोई ड्रगिस्ट ये चरस गांजा लेते हुए आता नहीं है। डेफिनेटली इसको हम समाज बनाते हैं, हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट बनाता है इसको। मेरा मानना है आजकल के जो बच्चे हैं इतने भी बिगड़े हुए नहीं है, अगर थोड़ी सी उसको अच्छी बातें अध्यात्म से थोड़ा सा जोड़ा जाए ना, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि बच्चे इतने बुरे हैं, ड्रग्स के आदि नहीं होंगे। मेरे हिसाब से सारे बच्चे अध्यात्म से दूर हो गए, इतना वेस्टर्न कल्चर आ गया है आजकल कि लोगों को पता नहीं होता कि ड्रग्स लेने के बाद होता क्या है, मानसिकता क्या होती है, मेंटेलिटी ब्लॉक हो जाता है, इंसान को अच्छा बुरे में डिफरेंस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्यन खान जो भी बच्चे हैं जेल के अंदर, मुझे उनकी सिंपैथी है, इसलिए नहीं कि वो सेलिब्रिटी का बेटा है, कोई भी हो सकता है, सिंपैथी इसलिए है क्योंकि वो यूथ है, यंगस्टर है, हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश का भविष्य अगर ड्रग्स लेके जेल में रहेगा तो आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें आध्यात्म अगर लेके आएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो तो वो कुरान पढ़े, आधा घंटा स्टडी करे, इतिहास को जाने, हम हिंदू हैं हम भगवद गीता जो भी है अपने हिंदू में वेद पुराण थोड़ा स्टडी करेंगे तो बुरा नहीं है, इससे ब्रेन वॉश होता है, तन मन धन सब साफ होता है। ये चीज है, लोग आध्यात्म से बहुत दूर हो गए इसलिए नशे के बहुत करीब हो गए हैं। मैम, इसके अलावा जैसे आपने आर्यन खान की बात की, तो आर्यन खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो है यूथ है उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है? जिस तरह के लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं शाहरुख खान से, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जब उनके बेटे इस तरह के केस में फंसते हैं, तो आपको लगता है कि एक गलत इम्पैक्ट गिरता है लोगों पर और हमारे यूथ पर, हमारे देश? डेफिनेटली, अगर आप हमारे आइडल हैं, आपका स्टेप ही गलत होगा तो डेफिनेटली वो तो इम्पैक्ट गलत होता ही है ना। तो लेकिन हमें नहीं लगता है कि आर्यन खान की गलती है, इसमें हम सबकी गलती है, पूरे समाज की गलती है, हर इंसान की गलती है, कोई इंसान ऐसे नहीं बिगड़ता। आप खुलेआम ऐड दिखाते हो गुटखा का, शराब का, बच्चे क्या सीखेंगे? डेफिनेटली ना, रिस्क करना हम सबको भी रिस्क करो ना, जो गंदा ऐड आप दिखाते हो बच्चा तो वही सीखेगा ना। हॉर्लिक्स का ऐड दिखाते हो, हॉर्लिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप शराब का गुटखा का दिखाओगे डेफिनेटली बच्चे वही सीखेंगे ना। बच्चे चिकने घड़े की तरह होते हैं, उसको जैसे दीदक मोड़ोगे मुड़ जाएंगे वो। मैं नहीं मानती कि किसी बच्चे की गलती है, फ्रेंकली, चाहे वो आर्यन खान हो, चाहे वो मीडियम फैमिली का बच्चा हो, कोई भी हो, समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है उसे बर्बाद करना या आबाद करने में। मेरा मानना है आर्यन खान लोगों से सबसे मेरी सिंपैथी है, मैं दुआ करती हूँ वो जल्दी बाहर आए और कुरान पढ़ना स्टार्ट करे, आध्यात्मिक की ओर जुड़े और अच्छे से अच्छा दिमाग हो जाए और गंदी आदत छूट जाए, क्योंकि हमारे भविष्य, हमारे देश का वो लोग भविष्य होता है यंगस्टर। मैं एज ए लीडर नहीं बात करी, मैं एज ए ह्यूमन बींग, एज ए यंगस्टर बात कर रही हूँ मैं। अगर आप जो है आरपीआई पार्टी से जुड़ी है, अब फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके, कैसी तैयारियां चल रही है आगे के? अभी नेक्स्ट ईयर कॉर्पोरेशन की तैयारियां चल रही हैं, मेरी टिकट्स कंफर्म है, 41 वार्ड से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और बाकी जीत हार तो जिंदगी का हिस्सा है, बट
हार के जीतने वाले कोई बाजीगर करते हैं, ये डायलॉग सुटेबल है। तो मेरे साथ स्टार्टिंग है कैरियर का, मेरा दूसरा साल चल रहा है और नेक्स्ट ईयर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, उसकी तैयारी चल रही है। जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? उनके लिए, यंगस्टर के लिए स्पेशली एक मैसेज है कि कभी भी ड्रग्स ना लें। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो आपको कोई बताएगा नहीं कि ड्रग्स लेने के एक या दो साल के बाद नपुंसकता आती है। फ्रेंकली आप लोगों का फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, कोई भी दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि मेरा सामान खराब है आप लेके, तो डेफिनेटली वो बड़ा चला के बोलेगा हमारा ऐसा है वैसा। ड्रग्स लेने से आपको क्षणिक अच्छा लगेगा, बट दो तीन साल के बाद यंगस्टर बिल्कुल बेकार हो जाओगे। ये बीमारी नपुंसकता आती है, आपको कोई ये बात नहीं बताएगा कि इट्स टोटली बिजनेस, कोई नहीं बताएगा आपको साइड इफेक्ट। मैं आपको बता रही, जितने भी यंगस्टर हैं, ड्रग्स अवॉइड करिए, अच्छी चीजें खाइए। मुझे पता है आपको बातें सुनकर अजीब सा लगेगा, और थोड़ा अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म से आप लोग जुड़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली नशा वशा सब साइड हो जाता है। अध्यात्म से बड़ा नशा कोई नहीं होता है। आजकल वेस्टर्न कल्चर में लोग इतना भूल गए हैं अध्यात्म को कि अध्यात्म की छूटने की वजह से लोग गलत संगत में आ गए हैं सब। जी पूछिए। ओके, लास्टली मैम आपसे जानना चाहूंगा कि ये ड्रग्स का कारोबार बहुत सालों से चलता रहा और आगे भी चलते रहेगा, लेकिन जो जनता देख रही है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस चीज को लेके, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मेरे हाथ जोड़ के यंगस्टर से निवेदन है कि ये जो ड्रग्स का है, चरस गांजा शराब, ये तो चलेगा, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं, राम भगवान आ जाएंगे वो भी नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज इट्स अ कलयुग नॉट राम युग। तो कहने का मतलब, अच्छा या बुरा हमें डिसीजन लेना है कि क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा है। मैं आपको बता दूं, जहां तक हो सके आप लोग आध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा ड्रग्स नशा साइड करिए, फ्यूचर ब्राइट है आप लोगों का, आप हमारे भविष्य हो, यूथ यंगस्टर हमारे देश का भविष्य है। तो ये चीज तो रुकने वाला है नहीं, वो तो अभी बढ़ते ही जाएगा ड्रग्स वगैरह। आप डिसाइड करिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज फॉर एग्जाम्पल आर्यन खान जी जेल में है, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम उसके पेरेंट्स को है। डिफरेंस इतना है कि आर्यन खान जेल में तकलीफ उठा रहा है और उसके घर वाले घर में, दोनों की सेम स्थिति है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ सेलिब्रिटी है, हर माँ बाप का बच्चा अगर तकलीफ में आता है माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो कोई भी हो। कहने का मतलब, आपका एक गलत डिसीजन पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। जी, थैंक यू सो मच मैम।